हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक वीडियो में, जिसमें वर्ल्ड के जो लेटेस्ट अपडेट है और जो टाइम टेबल का अपडेट आया है उस पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल क्या होने वाला है, कैसे आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये 16 अगस्त को 10:45 पे ये रात में ये मेल आया था, और आप भी अपना मेल चेक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा से दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट स्कीम इफेक्टिव डेट 16 अगस्त 2023। उसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे ईमेल है, तो ये सब आप रीड कर लेना। ये सब में कुछ खास नहीं है, ये सब जो कोर्ट में जो हियरिंग हुआ है वो जो अप्रूव हुआ है उसको उसको उसके रिगार्डिंग है। और उसके बाद आप, अगर आपके मन में कोई भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, यानी कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, वर्ल्ड के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल है वहां पर लिस्टेड होंगे। इस पर मैंने वीडियो भी बना के रखा है, तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि टाइम टेबल क्या है। तो टाइम टेबल जो होने वाला है वो टाइम टेबल देखेंगे बिडिंग इन द इनिशियल आरडीए का। तो इसका जो डेट रखा गया है 21 से 25 अगस्त 2023 रखा गया है। तो 21 से 25 अगस्त के डेट में आप बिडिंग कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट्स में आप बिडिंग कर पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा गया है कि डू नोट दैट पार्टिसिपेशन इन द इनिशियल आरडीए इज ओनली ओपन टू वेरिएबल रिकवरी ट्रैक केटर्स एंड आर वॉलेंट्री। यानी कि ये जो बीडिंग होने वाला आरडीए के लिए, अगर आपने वेरिएबल रिकवरी ट्रैक को सेलेक्ट किया है उसी के लिए, वही लोग इस बीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने प्रो रेटेड ट्रैक में सेलेक्ट किया था, तो मैं इसमें इस प्रोसेस में बीडिंग नहीं कर पाऊंगा, और जो लोग भी प्रो रेटेड ट्रैक सेलेक्ट किए हैं वो इसमें बिडिंग नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल था कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है तो हमको कैसे पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है, जो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं उनका वेरिएबल रिकवरी ट्रैक ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो चुका है, तो वो लोग भी इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरडीए में दो ऑप्शन है आपके पास। एक है कि आपको एक बार में जो भी परसेंटेज है, एक फिक्स परसेंटेज है उसके लिए बिडिंग होने वाला है, वो आप लेके निकल सकते हैं। नहीं तो आप इसी में वीआरटी में, यानी वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में आप रह सकते हैं, और आप धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी को पैसा मिलते जाएगा वैसे वैसे आपको पैसे मिलते जाएंगे। अगला जो कमेंट्स है कि इफ यू आर अ वीआरटी क्रिएटर्स यू मे ऑफर योर अप्रूव्ड क्लेम्स इन अ होल और अ पार्ट अप फॉर परचेज एट अ डिस्काउंट बाय द कंपनी। यानी कि अगर आप एक वीआरटी क्रिएटर्स है, यानी वेरिएबल रिकवरी ट्रैक क्रिएटर्स है, तो आपको जो ऑफर किया जाएगा, अप्रूव जो क्लेम है वो ऑफर किया जाएगा कंपनी के द्वारा परचेज करने के लिए डिस्काउंट पे कंपनी के द्वारा। वो भी आप वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर इसको लेके आपके मन में कोई सवाल है तो वीआरटी क्रिएटर्स के लिए ही है। और यहाँ पे एक और कमेंट है कि इफ यू आर अ वीआरटी क्रिएटर्स यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम केआईएस ऑन योर लॉगिन डिटेल्स। यानी कि अगर आप वीआरटी सेलेक्ट किए हैं तो आपको एक लॉगिन डिटेल्स आएगा, ईमेल आएगा, और इसी वीक में आ जाएगा। 9-19 अगस्त से पहले का है। इफ यू डू नॉट रिसीव द ईमेल बाय दिस सैटरडे 19 अगस्त 2023 प्लीज ईमेल। यानी अगर आपको ईमेल नहीं आता है 19 अगस्त से पहले, तो आपको इस inquiry@world.com पे आपको ईमेल करना है कि अगर आप वीआरटी क्रिएटर्स है, यानी वेरिएबल रिकवरी ट्रैक क्रिएटर्स है, तो आपको अभी तक मेल नहीं आया है और लॉगिन डिटेल्स आपको नहीं आया है, तो आप कर लेना। लेकिन ये डेट याद रखना है, बीडिंग का डेट है 21 से 25 अगस्त 2023। अगला हम देख लेते हैं टाइम टेबल। तो ये है नोटिफिकेशन टू केटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द वीआरटी प्रोरेटेड ट्रैक पीआरटी स्प्लिट पर द स्कीम ऑफ द टर्म्स। तो ये जो होने वाला है नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो है आने वाला 28 अगस्त 2023 से। इसमें आप कमेंट्स देख सकते हैं कि फॉर द टर्म्स ऑफ द स्कीम द कंपनी विल नोटिफाई यू ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोरेटेड ट्रैक लिक्विड एसेट्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीआरटी क्रेडिटर्स एंड डिटरमाइन आउट ऑफ द वेरिएबल रिकवरी ट्रैक लिक्विड एसेट्स द अप्रोप्रिएट सम टू बी यूटिलाइज फॉर द आरडीए। यानी कि आरडीए में जो बिडिंग होगा उस प्रोसेस के बाद जो भी पैसा बचने वाला है, और जो प्रोरेटेड ट्रैक, यानी जैसे कि मैंने प्रोरेटेड ट्रैक सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 28 अगस्त तक जारी किया जाएगा। और कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे आपको, अगर प्रोरेटेड ट्रैक से, तो कैसे आपको जो एसेट है कितना परसेंटेज है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होने वाला है, यानी कि पैसे जो मिलने वाले हैं और पेमेंट्स होने वाला है, जो सक्सेसफुल बीडर्स होंगे आरडीए में, इनिशियल आरडीए में, उसका जो टाइम टेबल है 28 अगस्त से 8 सितंबर 2023 है। यानी कि अगर आप बिडिंग करते हैं आरडीए में, तो आपको जो पेमेंट होने वाला है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाला है। यही यहाँ पे दिया हुआ भी है। और इसका जो आपको स्टेटस है वो भी आपको नोटिफिकेशन, यानी ईमेल किया जाएगा उसके लिए भी, तो आप ईमेल चेक करते रहना। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग नेट लिक्विड एसेट्स टू फॉलोइंग इनिशियल आरडीए टू रिमेनिंग वीआरटी क्रेडिटर्स। यानी कि जो आरडीए में, यानी कि एक बार जो पैसे लेके निकल जाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो नेट रिमेनिंग लिक्विड एसेट्स होगा,
उसको कैसे वीआरटी, जो और लोग वीआरटी में रह जाएंगे यानी जो आरडीए में बिड नहीं करेंगे और वीआरटी में रह जाएंगे, और जो लोग ने पीआरटी यानी प्रोरेटेड ट्रैक ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है, किस प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो आपको 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। इसमें कमेंट देख सकते हैं कि पर द टर्म्स ऑफ द स्कीम द डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस 1 मंथ फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द इनिशियल आरडीए, यानी कि 1 महीना आपको कंक्लूजन में लग सकता है, जो आरडीए होने वाला है उसके बाद आपको 1 महीने तक का टाइम लग सकता है ये जो प्रोरेटेड ट्रैक है उनको पैसे मिलने में। उसके बाद एक और टाइम टेबल है, फ्लिप वोल्ट सेटिस्फाइज इट्स लेबिलिटीज आउट टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हु आर आल्सो क्रेडिटर्स टू फ्लिप वोल्ट। ये जो है इसका जो टाइम टेबल है ये है 16 अक्टूबर 2023 तक। इसमें है कि इफ यू आर क्रेडिटर्स ऑफ बोथ कंपनी एंड द फ्लिप वोल्ट यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम फ्लिप वोल्ट रिमेनिंग इन्फॉर्मिंग यू दैट द लाइबिलिटीज आउट टू यू बाय फ्लिप वोल्ट हैज बीन सेटिस्फाइड बाय फ्लिप वोल्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट इन टू योर रिस्पेक्टिव वोल्ट अकाउंट्स। यानी ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जिनका पैसा फ्लिप वोल्ट में है, यानी कि आपका जो पैसा आईएनआर में फंसा हुआ है यानी वोल्ट वोल्ट के वोल्ट में फंसा हुआ है, आपने उसमें कुछ भी लिया नहीं है और पैसा आपका फंसा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। ये क्योंकि ये जो पैसा है ये फ्लिप वोल्ट के पास है, ये फ्लिप वोल्ट का एसेट है, लाइबिलिटी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको 16 अक्टूबर तक इन्फॉर्म किया जाएगा क्या किया जाना है, क्या करेगी कंपनी उसके रिगार्डिंग। तो यही एक टाइम टेबल है वॉल्ट के जो लेटेस्ट अपडेट आया है। उसके बाद आपके मन में कोई भी अगर सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप इस पे जाके आप मेल कर सकते हैं और जो वॉल्ट की टीम है उससे कंसल्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल रह गया होगा। तो बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे और भी मैं कंटेंट लाता रहूंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा है इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।